सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये आपका किस में है? आपका 11th कोर्स में है। ठीक है, आपका कुछ पार्ट आपका 10th में है। ठीक है, और आपका बीएससी में भी है। ठीक है, बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, और आपका पॉलीटेक्निक के सिलेबस में भी है, पॉलीटेक्निक के सिलेबस में भी है, आपका आईआईटी के सिलेबस में भी है, आपके नीट के सिलेबस में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सारे कोर्सेज में हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैंने एक मतलब थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया है। ठीक है, अराउंड 10 मिनट्स का। तो इसमें हम कुछ मॉडल्स के बारे में, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब स्टार्ट हुआ तो इसमें बहुत सारे लोगों ने एटम को डिफाइन किया। ठीक है, उसमें आपका सबसे पहले डेमोक्रिटस, जो कि 460 BC में इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए रिगार्डिंग द एटम्स। ठीक है, फिर डाल्टन थ्योरी आई, ठीक है, 1803 में। ठीक है, फिर कौन सा आया? थॉमसन मॉडल आया, किसमें? 1897 में। ठीक है, फिर आपका रदरफोर्ड आया 1912 में। ठीक है, रदरफोर्ड जो कि थॉमसन के एक स्टूडेंट थे और ये नोबल प्राइज़ बाद में जीते फॉर डिस्क्राइबिंग द एटॉमिक मॉडल। ओके, तो इसमें हम 1, 2 एंड 3 तीन मॉडल हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला मॉडल आपका आता है डेमोक्रिटस एंड डाल्टन का। तो मैंने इसको एक कलर इंडिकेट कर दिया कि ये जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं ये रिगार्डिंग द दिस वन। ओके, सो डेमोक्रिटस इन्होंने क्या बोला कि दैट मैटर कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। टीनी मतलब स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, एक फिलॉसफर थे, ना कि कोई एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये मतलब पॉइंट बोला। एक फिलॉसफी इन्होंने दिया कि एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ठीक है, और ये ग्रीक इन्होंने एटमोस को मतलब नाम दिया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, बट ये ब्रिटिश स्कूल टीचर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डाल्टन के बारे में। ठीक है, तो डेमोक्रिटस बस इतना, डेमोक्रिटस में बस इतना ही बोला कि मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल, और एक फिलॉसफी इन्होंने दी, ना कि कोई एक्सपेरिमेंट करके बोला। ठीक है, और ग्रीक वर्ड नाम दिया एटमोस। बट डाल्टन 1830 में एक पॉइंट दिया, ब्रिटिश पहले इनका तो थोड़ा प्रोफेशनल ये थे ब्रिटिश स्कूल टीचर। डाल्टन पास्टुलेट्स, इनके इन्होंने जो भी पॉइंट्स बोले वो मतलब किस नाम से जानेंगे? डाल्टन पास्टुलेट्स। ठीक है, इन्होंने प्रपोज्ड बॉल मॉडल, इन्होंने बॉल मॉडल दिया। ठीक है, और आइटम को इन्होंने बोला कि इट इज़ यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर, मैंने इसको ड्रॉ किया कि इट इज़ ए टाइप ऑफ सॉलिड स्पीयर। ठीक है, तो इन्होंने बस इतना ही बोला। ठीक है, बाद में थॉमसन आते हैं 1897, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट यूज़ किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यूज़ क्या किया था? बीम ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। ठीक है, और डिस्कवर्ड किया इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया और बोला कि इट इज़ ए नेगेटिव पार्टिकल्स विद इन द आइटम। आइटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स को हम क्या बोले? उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला। प्लम मतलब और दूसरा एक तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला प्लम। प्लम क्या है? पडिंग मॉडल। पडिंग मॉडल मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीयर को उन्होंने बोला पडिंग, मतलब जो आउटर है पॉजिटिव स्पीयर। ठीक है, ये इस पे चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या बोला? पडिंग मतलब इन्होंने बोला पडिंग। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो कि अंदर स्पीयर के पाए जाते थे उसको उन्होंने बोला प्लम्स, इट इज़ द प्लम्स। ओके, और आउटर को क्या बोला था? पडिंग। ठीक है, जो तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को इन्होंने बोला कि इट इज़ ए टाइप ऑफ प्लम्स, और जो कि इनर इन्वायरमेंट में स्प्रिट फैले रहते हैं। ठीक है, तो इनकी कहानी बस यहीं तक थी। फिर आपका रदरफोर्ड जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है, वहाँ से स्टार्ट किया मैंने, और ये पॉइंट्स जो है आपका रदरफोर्ड 1912 में जो मॉडल दिया उसके रिगार्डिंग है। तो ये जो थे स्टूडेंट्स ऑफ जे थॉमसन के शिष्य थे। ठीक है, स्टूडेंट थे और इन्होंने नोबल प्राइज़ विनर मतलब नोबल प्राइज़ इन्होंने जीता। अब यहाँ पे देखो, जो आपका स्टूडेंट था वो मतलब अपने टीचर से कितना जीनियस था कि उन्होंने नोबल प्राइज़ जीता, ना कि थॉमसन ने जो कि उसके टीचर थे उन्होंने जीता। बट यहाँ पे इफ़ेक्ट कितना, मतलब जे थॉमसन थॉमसन भी एक ग्रेट साइंटिस्ट हो गए, क्योंकि उसने क्या ऐसे शिष्य को तैयार किया जो कि नोबल प्राइज़ जीता। ठीक है, तो दोनों महान हैं, हम ये नहीं कह सकते कि उनका स्टूडेंट ही टीचर को भी क्रेडिट जाता है। यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इसको हम बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, इन्होंने क्या डिस्कवर किया न्यूक्लियस को और बोला कि इट इज़ ए डेंस पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, तो न्यूक्लियस पे कैसा इन्होंने इन्होंने न्यूक्लियस को
न्यूक्लियस को इन्होंने डिस्कवर किया, बोला कि सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एंड विच हैविंग निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की और इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया, ठीक है। इन्होंने इस तरह से उन्होंने प्रपोज़ क्या किया, न्यूक्लियर मॉडल क्या प्रपोज़ किया, इट न्यूक्लियर मॉडल को प्रपोज़ किया। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर डा किया, इट इज़ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन क्या है, इस पर पॉजिटिव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड अराउंड द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व मतलब चक्कर लगाते हैं, इन पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। तो इनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। और तो इतने इनके पॉइंट्स थे, यहाँ पे मैंने आपको फिगर नहीं शो किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक फिगर हम जितने भी इसमें, जैसे आपका थॉमसन मॉडल है और इनका रदरफोर्ड मॉडल है, सबका हम स्ट्रक्चर मतलब इसी पे यहाँ पे पुट करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली आखिर क्या प्रूफ किया, ठीक है, कैसे उन्होंने पॉइंट किया कि इट इज़ द प्रोटॉन, इट इज़ द इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट, ओके। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई भी पॉइंट तो कमेंट आप कर सकते हो, हम आपको उसका सलूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल, इसका वीडियो आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा नोट्स है, और ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।